खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना। 17 संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चडूनी को अध्यक्ष मानने से किया इनकार, चडूनी के अध्यक्ष होने से भी किया साफ इनकार। कहा, सभी संगठन मिलकर कर रहे हैं आंदोलन को मजबूत। राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के संयुक्त मोर्चा में शामिल हैं सभी संगठन। 26 जनवरी की तैयारियों में जुटे हैं किसान। टिकरी बॉर्डर पर ट्रैक्टर परेड के लिए 1000 वॉलंटियर किए तैयार। वॉकी टॉकी और गाड़ियों में वॉलंटियर ट्रैक्टर परेड को करेंगे कंट्रोल। किसान परेड के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करेंगे किसान। किसान संगठनों ने एक सुर में कहा, तीनों कृषि कानून वापस होने तक चलेगा आंदोलन। केएनएन मीडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से विकास ऑनलाइन। देशव्यापी आंदोलन है जो 57-58 दिन में प्रवेश कर चुका है। ये देश का आंदोलन बन चुका है। इसमें हरियाणा के मेरे भाई विकास ने भी बताया है कि 17 संगठनों का समन्वय समिति बनी हुई है। इसी तरह से राष्ट्रीय लेवल पर भी समन्वय समिति है, वो सभी है मोर्चा के अपने अपने संगठनों के अपने अपने अध्यक्ष हैं। कोई देशव्यापी अध्यक्ष नहीं है इसके अंदर, ना ही कोई अपना हरियाणा का भी सांझा मोर्चा का अध्यक्ष नहीं है कोई। इस आंदोलन को ज़्यादा विकसित करने के लिए मेन मकसद अब 26 तारीख का रह गया किसान साथियों के लिए, और जो गांव-गांव से इस आंदोलन में हमारे को सहयोग पहले मिला है वो तो धन्यवाद के पात्र हैं। जो हमारे को अब रिपोर्टें आ रही हैं वो रिपोर्टें ऐसी आई हैं कि वो जो किसान का उत्साह बढ़ा हुआ है, इससे हमारे को हौसला जो किसानों का खास करके नौजवान युवा साथियों का इतना बुलंद है कि वो आज रात या कल सुबह तक दिल्ली के चारों बॉर्डरों को बिल्कुल रोहतक तक पहुंचाने का, पिछले ये मेरे अपने टिकरी बॉर्डर की बात करें या अन्य बॉर्डर हैं जो सभी पर, राजस्थान की तरफ से यूपी की तरफ से सारे के सारे बॉर्डरों पर किसान बहुत ज़्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। इसमें एक नई बात ये भी है कि हमारी माता बहनें भी इस आंदोलन में ट्रैक्टर स्वयं चला करके आ रही हैं, और हमारा जो 26 जनवरी की परेड निकालने का मेन उद्देश्य है वो सरकार को किसान की जय जवान और जय किसान का जो नारा है, पहली बार किसान अपनी परेड निकालेगा, इसमें शांतिमय तरीके से कोई भी किसी तरह का वायलेंस किसान नहीं चाहेगा। वो हमारी 3-4 दौर की समन्वय समिति की राष्ट्रीय मोर्चा है जो उसकी 3 प्रदेशों के डीजीपी के साथ कल भी मीटिंग हुई थी, उससे पहले 2 दौर की हो चुकी है। आने वाले समय में हमारे को जो भी एंट्री का रास्ता जो अंदर जाने का है उस पर किसान जहां से भी अंदर जाने का रास्ता होगा किसान अंदर जाएगा और वापस अपने स्थानों पर आएगा, यही हमारा इतना ही है जी। इसमें अगले भाई साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसे आपने सुना, सभी साथी इस बात को कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा जिसका कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया है, सभी स्तरा संगठन इकट्ठे हैं और इस बात की हम पुष्टि कर रहे हैं कि हम उसी आत्मा के साथ, उसी विश्वास के साथ जी जान से लगे हुए हैं इस आंदोलन को कामयाबी की ओर ले जाने के लिए। अगर कोई साथी या किसी साथी के द्वारा निजी महत्वाकांक्षा को लेकर ऐसे विचार आते हैं उसका हम खंडन करते हैं, और आने वाले समय में जो हमारा प्रोग्राम है जिस प्रकार से हमने बनाया हुआ 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस, किसान इस बार जय जवान जय किसान के नारे को सार्थक सिद्ध करता हुआ इस बार अपनी भागीदारी किसान की इस बार पूरे भारत में होगी, ऐसी हम कामना करते हैं। करता हूं आपको और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आप हमारी आवाज़ सुनने के लिए, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए यहां पहुंचे हैं। मेरे पास कोई शब्द नहीं किन शब्दों में हम धन्यवाद करें। जैसे हमारे विकासी सर भाई ने बताई कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन अभी तक पत्रकार छायाकार बंधुओं के सामने नहीं आए। आज मेरे ख्याल में पहली बार तक टिकरी बॉर्डर पर है, यहाँ लगातार इसके ऊपर बने हुए, चाहे यहाँ का बॉर्डर है, चाहे संघू बॉर्डर है, चाहे साझापुर बॉर्डर है, चारों तरफ से दिल्ली घेरी हुई है। हम सभी किसानों ने, जितने भी ये 17 संगठन हैं और 2-3 जो नहीं आए उनकी सहमति हमारे पास फोन के जरिए हमने ले ली। इससे पहले हमें कई बार इशार के अंदर मीटिंग करी, सारे संगठन साथ में हमारे साथी सभी, उसके बाद फतेहाबाद के अंदर करी, फतेहाबाद के अंदर जो मीटिंग हुई सभी किसान साथी हमारे जो लीडर हैं, ये मेरी अध्यक्षता में की गई थी मीटिंग, जिसमें हमारे जो शीर्ष नेता थे वो सारे ही थे उसमें, और उसमें ये फैसला लिया गया था। अब मैं नाम लूँ तो मैं ये भी बता दूँ कि जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं गुरनाम चडूनी जी, वो भी इस मीटिंग के अंदर शामिल थे, ये सभी शामिल थे। वहाँ ये फैसला लिया गया था कि भाई हमारे 17 संगठन
इकट्ठे होकर के ये आंदोलन जो तीन काले कानून है, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तीनों के तीनों जो काले कानून हमारे थोपे गए हैं बगैर मांगे, किसी ने नहीं मांगे ये, बगैर संसद में चर्चा किए, बगैर किसान संगठनों को बुलाए हुए हमारे पर धक्के से थोपे जा रहे हैं। तो उस दिन ये फैसला ले लिया गया था कि भाई इसका कोई इसका प्रधान नहीं होगा किसी प्रकार का, ये सारे हाँ संगठन इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठी बात करेंगे और चर्चा करके जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी वो हमारी होगी और उस हिसाब से आगे जो संयुक्त मोर्चा बना है जो सेंटर का हमारे 500 ऊपर जो संगठन है उसके आह्वान पर जैसे जैसे हमारे आदेश देते जाएंगे उसी प्रक्रिया में हम उनकी आगे पालना करते चले जाएंगे। तो मैं तो ये बताना चाहूँगा आपको, हमारे सारे संगठन बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे सारे पूरे देश के अंदर जन आंदोलन बन चुके हैं ये, और अब कोई कोर कसर बाकी नहीं रही है। हमारे युवा साथी, हमारी माताएं बहनें सारे के सारे साथ हो चुके हैं। जब मातृशक्ति साथ आ जाती है तो ये समझो कि जीत दूर नहीं है, और ये आपके सामने है कि जीतेंगे और जीतेंगे, और जब तक अड़े रहेंगे डटे रहेंगे जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। और मैं साथ साथ ये बात कहूँगा, MSP का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून नहीं बन जाता तब तक, ये कानून चाहिए हमें लिखित में, नहीं ऐसे झूठे आश्वासन। कभी कह देते हैं कि कमेटी बना दी, कभी कह देते हैं कि दो साल का तीन साल का टाइम दे देते हैं, ये बिल्कुल छलावा है। और हमारे बीच में कुछ शरारती तत्व घुस भी रहे हैं और घुसने की कोशिश भी कर रहे हैं, और ये सरकारें जो हमारी हरियाणा की सरकार, BJP और JJP की सरकार है, संयुक्त सरकार, वो हमारे वादा डालती रही है बीच बीच में, कभी कभी मुद्दा उठा दिया, कभी कोई मुद्दा उठा दिया, और अब भी उसी प्रक्रिया में, ये भी उसी का हिस्सा है। तो हम ये हमारे सभी साथी, सारे 16-17 संगठन इकट्ठे होकर के यही निवेदन करते हैं, और आप छायाकर पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि आप चौथा स्तंभ कहलाया जाता है, आप हमारी बात को पहुँचाएँ। और अब जो मौके की बात है, अब हम 23 जनवरी को हमारे सभी टोलों के ऊपर हम रक्तदान शिविर मनाएंगे, और सुभाष चंद्र बोस की जयंती है 23 तारीख को, जिन्होंने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हारी आज़ादी दूंगा, उस व्यक्तित्व का हम जो कल है रक्तदान शिविर भी लगा रहे हैं, कई जगह हमने लगा भी लिया। और अब जो सीधा टारगेट 26 तारीख के ऊपर हमारा है कि दिल्ली की सड़कों पर और चारों तरफ, और हमारे दिल्ली के चारों चारों बॉर्डर के ऊपर इतनी जनता, इतने ट्रैक्टर, इतनी माता बहनें और युवा होंगे, और अनुशासन पीढ़ी है, कोई भी किसी प्रकार का डिसिप्लिन तोड़ने का काम नहीं करेंगे। और सर हमारे जो किसान साथी हैं या हमारे जो अगुवा हैं वो कोई भी किसी प्रकार की इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ देंगे, कोई कोताही नहीं बरतेंगे, कोई कानून हाथ में नहीं लेंगे। और इस तरह का अगर कोई बीच में घुसता है, बकवासबाजी करता है, तो हमारा किसान भाई नहीं हो सकता वो। तो मैं तो यही निवेदन करूँगा कि हमारा ये जो है आंदोलन सही दिशा में है, और इसको कोई तोड़ने की कोशिश करे तो सभी हमारे किसान साथियों से और आपके माध्यम से कि भाई तोड़ने नहीं दिया जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे और यहाँ से जीत कर ही लौटेंगे। मेरी तो यही निवेदन है आप सभी साथियों से, आप सभी पत्रकार बंधुओं से, अभी हमारे अपने सत्यवर पूनिया जी कि जब पिपली के अंदर रैली हुई थी कुल 17 किसान संगठन इकट्ठे हुए थे, जो संघर्षशील किसान संगठन मैं जिनको कहूँगा, और जिनके ऊपर एक जिनका एक रिकॉर्ड है, जिनका एक रिकॉर्ड आप सरकारी तौर पर निकाल सकते हैं, उनके ऊपर मुकदमे भी चले हुए हैं, उनकी मीटिंगों के भी रिकॉर्ड हैं, उनके फोटोज भी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, और ये जो आपके सामने जो बैठे हैं वो सारे के सारे जो जिन्होंने शुरुआत करी थी पिपली रैली की, उस पिपली रैली के भागीदार हैं, सदस्य थे 17 के 17 किसान संगठनों, और इसी के इसके बाद जो हरियाणा के अंदर आंदोलन हुआ, ये 17 के 17 किसान संगठन जो है सिरसा के अंदर भी सारे के सारे उस सिरसा रैली के अंदर उस संघर्ष के अंदर सारे के सारे साथी इन्वॉल्व थे, उसमें उन्होंने मेहनत कर रखी थी। और ये जो आंदोलन है आप जो यहाँ देखो, जो इस कई दिन से आप 50-55 दिन से कम देख रहे हैं कि जो साथी यहाँ टिकरी बॉर्डर के ऊपर मीटिंग करने वाले हैं, आपने आज कल से पहले यहाँ टिकरी बॉर्डर के ऊपर किसी नेता को नहीं देखा होगा। टिकरी बॉर्डर की जो व्यवस्था है और हरियाणा की जो 80% संख्या जो है यहाँ टिकरी बॉर्डर के ऊपर है, आपने किसी नेता को 55 दिन के दौरान आपको मंच के ऊपर नहीं देखा होगा, लेकिन ये जो नेता बैठे लगातार इन नेताओं को आपने टिकरी बॉर्डर के ऊपर देखा है। और जो पीछे जो ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ हमारे दिलबाग गुरदास जी हैं, सतवीर एसडीओ जी हैं, स्वामी जी हैं, जो कम दिखाई दे रहे हैं शमशेर दैया जी हैं, वो गांव-गांव के अंदर जिला लेवल के ऊपर जो है हमने टीम बना रखी है, अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल रखी है ताकि ये आंदोलन का जो सही दिशा में आंदोलन चल सके।
ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ को हम टिकरी वोटर के ऊपर ला सकें, इस आंदोलन को मजबूत कर सकें, और हमारी मंशा भी यही है सारे के सारे। इसीलिए हम ज़्यादा प्रेस में आना हमारा पर्पज नहीं है, लेकिन हाँ जी हमने किसी के ऊपर सवाल नहीं उठाया, हमने सवाल नहीं उठाया, हमने केवल अपनी बात रखी है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है राष्ट्रीय लेवल पर, ना उसका कोई अध्यक्ष चुना गया है, ना हरियाणा का कोई अध्यक्ष चुना गया है। उसे हमारी सफाई देना हमने बने थी, क्योंकि हम उस मीटिंग के हिस्सा नहीं थे, इसलिए जो खबर जो छपी अखबार के माध्यम से, हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं उनके साथ, वो भी बिल्कुल स्वागत है, उनका भी काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन हमारा जो है हम जो है उस मीटिंग के अंदर नहीं थी, और संयुक्त मोर्चा के कोई ऐसे इस प्रकार के आदेश नहीं है कि आप अलग से प्रदेश के अध्यक्ष बनाए जाएं। और इस आंदोलन की सबसे खास बात यही है कि ये किसान, हर किसान नेता उसका जो ये सारे बैठे हैं, उस राष्ट्रीय किसान संयुक्त मोर्चे के हिस्सेदार हैं, और वो साथी भी हो सकता है उनमें से दो चार उनमें से भी हिस्सेदार हैं, ये सब बराबर के हैं, और ये आम जनता का आंदोलन है, इसमें कोई नेता बनने का कोई अगर किसी को ज़्यादा चस्का है तो अलग बात है, लेकिन ये जो है नेताओं का आंदोलन नहीं है, ये एक आम जनता का आंदोलन है, किसान का आंदोलन है, और इसीलिए किसान बन के ही हम आंदोलन को लड़ रहे हैं। हमने उनको मना नहीं किया, उनको चुन के हमारी ओर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, हमने मना नहीं किया, हम इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जो 17 किसान संगठन है, संघर्षशील किसान संगठन है, जिनका एक ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको अखबार की कटिंग दे सकता हूँ, टीवी की दे सकता हूँ, फोटो दे सकता हूँ, उन मीटिंगों का रिकॉर्ड है मेरे पास। हमने केवल इतना कहा है कि जो हम जो 17 किसान संगठन बैठे हैं हरियाणा के, उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे, और ये हमारा राइट बनता था, इतनी सफाई तो हम देवेंगे कि हम उस मीटिंग के अंदर नहीं थे। देखो उनकी मनसा तो वही बता सकते हैं, हम उनके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे, हम हमारा ध्यान है 26 जनवरी के ऊपर, और 26 जनवरी ही हमारा पर्पज है, और किसान आंदोलन ही हमारा पर्पज है। उन्होंने बताया वो 15 जो संगठन है वो हरियाणा, आप 17 अलग टोटल कितने संगठन? देखिए वैसे तो संगठन में कोई भी आदमी कह सकता, कोई संगठन का ऑनलाइन रिकॉर्ड तो है नहीं, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, इनका जो ये संगठन बैठे हैं, पहले भी आपने समाचार पत्रों के अंदर पढ़ा होगा, 17 किसान संगठन हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ उस मीटिंग का ये किसान संगठन हिस्सा नहीं।